हेलो एवरीवन, आप एक बार मेरी तरह से मछली बना के देखिए, आपकी ये फेवरेट हो जाएगी। इसे मैंने बहुत ही इजी ढंग से बनाया है और टेस्ट में तो ये बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको जल्दी में बनाना हो तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए झटपट इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 kg फिश। ये रेहू फिश है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसमें हमें डालना है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि मछली पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। अब यहाँ पे तेल को अच्छी तरह गर्म होने पे हम एक एक करके फिश डालेंगे। फ्लेम को हाई रखना है। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। इसे हम एक साइड से अच्छे से होने देंगे, तब इसे हमें पलटना है। बीच में नहीं पलटे, नहीं तो ये टूटने लगेगा। दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरे राउंड भी फ्राई कर लेना है। बचे हुए तेल में अब डाल दें खड़ा मसाला, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों, 2 सूखे लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 1/2 चम्मच हींग। सभी को अच्छे से पकने दें। अब इसमें डाल देना है हमें सरसों और प्याज का पेस्ट। एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें और इसे मिक्स कर दें। मसाला को हमें अच्छी तरह से पकाना है। अब यहाँ पे डालें 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। सभी को मिक्स करें। मसाला को अच्छे से मिक्स करें और इसे हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से पकेगा और टेस्टी बनेगा। तो मसाला को हम जितने अच्छे से पकाएंगे, हमारा जो ग्रेवी बनेगा वो उतना ही टेस्टी बनेगा। तो इसे बीच बीच में चलाते रहें। अब यहाँ पे डाल दें 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 चम्मच ये फिश करी मसाला है, आपके पास है तो डालें, अदरवाइज स्किप करें, और इसे मिक्स कर दें। मसाला भी अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको ग्रेवी जैसा चाहिए। मैं यहाँ पे 1.5 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें एक उबाल आने दें। उबाल आते ही हम सारे फिश को डाल देंगे। फिश डालने के बाद क्या करें, इसे ग्रेवी के साथ मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे पकने दें। दो मिनट के बाद इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे मिक्स कर दें ग्रेवी के साथ। हमारा फिश करी बनके रेडी है। आपने देखा ना, इसे बनाना कितना आसान है और ये बहुत टेस्टी लगेगी आपको खाने में।
तो आप इस तरह से फिश करी ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।